लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। मजदूर कहीं पैदल तो कहीं निजी वाहनों के सहारे अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इसी बीच कई दुखद घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक हादसा जयपुर के दूध उपखंड के NH-8 पर स्थित दात्री के पास देखने को मिला। जी हां, यहां पर कोयले से भरे ट्रेलर में उत्तर प्रदेश के मजदूर का परिवार प्रशासन की बेरुखी के चलते मध्य प्रदेश के औरैया जा रहा था, लेकिन ट्रेलर के अचानक पलटने से मजदूर सहित परिवार के लोग घायल हो गए। इसकी सूचना पर तहसीलदार सत्यवीर सिंह यादव मौके पर पहुंचे और घायलों को CHC में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद बस से गंतव्य स्थान के लिए उन्हें रवाना किया गया है। प्राप्त हुई जिसमें कुछ मजदूर भी सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचा। घायलों को तुरंत राज के चिकित्सालय में दुदू में लेके आया गया। वहाँ पर उनको हल्की चोटें लगी थी, उनका प्राथमिक इलाज करवा दिया गया और उनके भोजन की भी व्यवस्था कर दी। अभी उनके लिए अभी बस की व्यवस्था की गई है। बस आते ही आगे की जर्नी के लिए उनको